नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस दिक्स टूल ट्रिटो डाइग्राम ट्रिटो डाइग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बारग्राफ एंड द लाइन ग्राफ ट्रिटो डाइग्राम इज बेसिकली टर्म आफ्टर द नेम ऑफ ए मैथेमेटिशन हु फर्स्ट डिस्कवर और फॉर्म दिस डाइग्राम बेसिकली कॉन्सैप्ट यह है कि एटी ट्वेंटी का एक रूल हम अक्सर का स्टेटिस्टिक्स में फॉलो करते हैं कि एटी परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम

बाय कॉज और बाय फिना एंड सॉटेड बाय नंबर ऑफ अक्रेंसेस यानि ये कि डाटा को हम मुख्तलिफेक्टर्स में डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ और इनको एसोसिएट करेंगे प्रॉब्लम की क्यूमलेटिव uh, फैक्टर के साथ या परसेंटेज के साथ बार चार्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और जो हमारा लाइन चार्ट है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं इस वक्त आपके सामने ये एक ट्रेटो डाग्राम है जिसमें जैसे डिस्कस कर रहे थे हम कि बार ग्राफ्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है उसे सबसे पहले रखा गया है और सबसे कम परसेंटेज वाले को सबसे लास्ट में प्लेस किया गया है जबकि इसका क्यूमुलेटि फैक्टर को इसके अपोज़िट डायरेक्शन में यानी कॉन्सेप्ट यह कि ट्वेंटी परसेंट प्रॉब्लम्स को अगर रिमूव कर लिया जाए तो एट्टी परसेंट प्रॉब्लम की वजह वो रूल आउट हो जाती है इस वक्त ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि चार्ट और लेट अराइवल्स बाय रिपोर्टेड कॉजेज़ जो मुख्तलिफ़ काज हो सकती हैं अब आप गौर कर सकते हैं कि ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम या चाइल्ड केयर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो फैक्ट्री में रहकर आप रिमूव नहीं कर सकते जो ऑबियसली होंगी आपको फेस करनी पड़ेंगी इसलिए अगर आप इन बिगर कॉजि को रिमूव करने की कोशिश करें भी तो इसके लिए आप कामयाब नहीं होंगे लेकिन पॉसिबली कि एमरजेंसी कम से कम फेस करनी पड़े या ओवर की वजह से तो अपने वर्कर्स की कुछ मेंटल जॉगिंग की ज़रूरत है ये कुछ ऐसी कॉजेज़ हो सकती हैं जिस पर अगर फोकस किया जाए तो हम एक मेजर कॉज को वक्ती तौर पे रिमूव कर सकते हैं इस तरह एक और ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि मोस्ट कॉमन डैमेजेस इन कार्स इसमें से भी जो स्मॉलर परसेंटेज में हैं या कम जिनकी फ्रिक्वेंसी है इनको रिमूव करना नॉर्मली आसान काम होगा इसलिए हमें ये क्यूमलेटिव परसेंटेज बता रही है कि सबसे पहले बेहतर है कि आप इस पर फोकस करें जिसकी परसेंटेज कम है तो पॉसिबली आपकी एट्टी परसेंट काज रिमूव हो जाएंगी या उसका इफेक्ट कम हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ प्रिट डाइग्राम वी कैन ब्रेक बिग प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर ग्रुप्स और हम अपनी फोकस कर सकते हैं टेंशन को कि पहले कौन से ग्रुप पर अपनी एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाए अपने रिसोर्स को कहाँ पर लगाया जाए ताकि उनको रिमूव किया जाए तो हम एफिशिएंसी को बेहतर बना सकें हम मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम में कर रहे थे तो यहाँ पर भी रिटो डायग्राम हेल्पफुल होगी हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स को या काज को मालूम करने में और अपने लिमिटेड रिसोर्स उसे सही जगह इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे